अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर हरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पैटिस की रेसिपी, जिसके लिए हमें ये चाहिए पफ पेस्ट्री। यहाँ से ये वाली मिलती है पफ पेस्ट्री, और उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन ब्रेस्ट पीस। तो वो मैंने बॉयल होने के लिए स्पाइसेस डाल के रख दी हैं मैं। ये जिस पानी में मैंने चिकन को बॉईल किया ना, इसी के अंदर ही अब हम प्याज ऐड कर देंगे। और एक दो टेबलस्पून जो है ना ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं। ये चिकन में आप 2 टेबलस्पून मैदे के ऐड कर दें। और थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि अगर आप एज इट इज ही उसको डाल देंगे चिकन को, तो वो सही तरह बाइंडिंग नहीं होगी पैटीज में, और वो सारा आपका बैटर जो है ना बाहर निकल जाएगा पैटीज से। ये देखें, इसको इस तरह होना चाहिए। मैदा और दूध मैंने जब शामिल किया, जब आप इसको पैटीज में इसकी फिलिंग करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बाहर ये लीक नहीं होगा। वरना अगर आप उसको उसी तरह डाल देंगे तो वो सही तरह से बाइंडिंग नहीं होगी, चिपकेगा नहीं अंदर पैटीज के साथ। सिर्फ पैटीज के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। वैसे हम लोग जो समोसे वगैरह बनाते हैं, उसके लिए तो इस तरह ज़रूरत नहीं है करने की। बेटी जो चिकन ब्रेड वगैरह भी बनाती है ना, उसमें भी यही इसी तरह की सेम फीलिंग होती है। और मैंने इसमें जो है काली मिर्च डाली थी पिसी हुई, और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और नमक। आप अपनी मर्जी से स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन मैंने ये 3 चीज़ें सिर्फ ऐड की हैं, नमक, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च। Thank you.
मैंने इसको जो है ना पफ पेस्ट्री को सुबह से फ्रिज से निकाल के रखा हुआ था फ्रीजर से, इस वजह से वो जो है ना बहुत ही जरा नरम हो गई है वो, इसलिए दोबारा से पेड़ा उसका करना पड़ा मुझे, वरना उसी तरह रोल को खोल के तो हल्का सा बेल लेते हैं हम।
दैट इज़ में मैंने सारी फिलिंग कर ली। अब इसको ओवन में रखना, उससे पहले आपने खाली ये जर्दी लेनी है अंडे की। और उसको ब्रश की मदद से आपने इसको ऊपर लगा लेना। वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे पैटीज तैयार हो गए हैं। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी हौसला अफजाई करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।